हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे बड़ी टेंशन ये बनी हुई है कि हाईकोर्ट भर्ती जब से रद्द हुई है उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ करके आ रहा है कि क्या इसमें भी सीईटी लागू हो जाएगी। हमारे सपने पहले ही चकनाचूर हो गए। दोबारा से भी जो बच्चे नए बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करने का सोच रहे हैं और जो बच्चे ऑलरेडी अप्लाई किए हुए थे उनका एक सपना था हाईकोर्ट में जाने का, तो वो भी क्या सीईटी से टूट जाएगा। हालांकि आपने काफ़ी वीडियोज़ देख लिए लेकिन फिर भी अंदर सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा, इसका पूरा का पूरा जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सर ये वैकेंसी कि जो फॉर्म है वो कब तक रीओपन होंगे, ये सबसे बड़ा इश्यू। इसी के साथ में इसकी एग्जाम कब तक होगी, क्या हम इसको स्किप करके दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले। इसी के साथ में आपको स्टडी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंदर तक जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, एक प्यारी स्माइल अपने होठों पर रखिए क्योंकि आते रहिएगा, क्योंकि आप उमेश सर के साथ हैं, तो प्यारे से स्माइल के साथ बने रहिएगा। मेन पॉइंट आता है सर, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी सीईटी को लेकर के बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए ये जो सीईटी है वो पुरानी वैकेंसीज के अंदर लागू नहीं होगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन आप काफ़ी वीडियोस देखने के बाद में भी आप कन्फ्यूज है, बार बार आपका एक ही मैसेज सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, तो मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं कि इसके अंदर जो सीईटी है वो लागू नहीं होगा। देखिए अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये कितनी वैकेंसी आएगी, ये सबसे बड़ा इश्यू बना हुआ आपका। कई लोग आपको बता रहे कि 4000 समथिंग पोस्ट आ सकती है क्या। देखिए अगर हाईकोर्ट ने इस एग्जाम को कैंसिल किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया है कि दोबारा से पूरी प्रोसेस अपनाएं और दोबारा से कब भर्ती निकलेगी, कब क्या होगा, वापस वही टाइम लगे, तो सोच समझ के निर्णय लिया गया है। देखिए पहले कुछ ये मान लीजिए कि 1500 के अंदर अंदर एलडीसी की अगर मैं बात करूँ तो 1500 भी नहीं थी, यानी कि 1000-1200 के समथिंग कुछ पोस्ट थी। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो 4000 तक का अगर हम लेकर के चलते हैं, जो आपको 1700 बताई जा रही है वो टोटल एलडीसी की ओनली पोस्ट नहीं थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा सर, आप इतनी कम कैसे बता रहे हो, तो एलडीसी की पोस्ट तो उससे कम थी, 1000-1200 के बीच में ही थी, बाकी जो पोस्ट थी वो और डिग्री के भी थी। तो इन चीज को समझ लीजिएगा, क्या सर 4000 पोस्ट आएगी। देखिए मैं इस चीज के लिए ना मना कर सकता हूँ ना मैं दावा कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि पोस्ट बढ़ कर के आएगी। अभी 2500 हो चाहे 3000 हो सकता है 3000 प्लस हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता कि 4000 ही आएगी क्या। तो इस चीज का आप टेंशन मत लीजिए, बस आप इतना सोचिए आपको अपनी एक सीट लेनी है और हाँ डेफिनेटली आपकी जो सीट है जो पोस्ट है वो बढ़ेगी, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब सबसे बड़ा एक और सवाल आता है सर, ये वैकेंसी आखिर कब रीओपन होगी। और उससे पहले एक सवाल आता है कि सर क्या न्यू स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप न्यू स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 18 साल के और आपने ग्रेजुएशन कर ली है या फिर इस बार आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, उनको भी शायद एलिजिबल किया जाएगा जो फाइनल ईयर के अंदर है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आएगा कि सर हम दूसरे स्टेट से क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सवाल आता है सर ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, रीओपन कब तक। आपको पता है कि इसके लिए हाईकोर्ट के द्वारा एक अनुमोदन मांगा गया है, अलग अलग जो भी जो सेशन न्यायालय है उनसे पूछा गया है कि आपके यहाँ पे कितनी सीट खाली है, उसका जवाब आना 30 जून तक। ध्यान से समझ लीजिए कि एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, 30 जून तक उसका जवाब आना है। तो 30 जून तक तो अभी कोई नोटिफिकेशन आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना कोई चांस है। बीच में मान लीजिए किसी सेशन कोर्ट ने पहले अगर पूरी की पूरी डिटेल दे दी, लेकिन लास्ट डेट है उस तक पूरे की पूरे डेटा आने के बाद में उसको एनालिसिस होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। उस तरीके से मैं आपको बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन आपको, ठीक है, जुलाई के सेकंड वीक से लेके थर्ड वीक के बीच में आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट वीक में मान लीजिए 5 से 7 दिन है आपको डेटा कलेक्ट करने में, सारी चीज़ें एनालिसिस करने में लग सकती है। फर्स्ट वीक में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है जुलाई के सेकंड वीक के अंदर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 90% जो पॉसिबिलिटी है वो जुलाई के सेकेंड वीक की है, उसके बाद में 5% जुलाई के फर्स्ट वीक और 5% है जो थर्ड वीक के अंदर है। तो यहाँ पे आप ये समझ करके चलिएगा कि आपकी वैकेंसी कंफर्म रीओपन होगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर हम एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करें तो क्या बेस मान करके करें, क्या फिर से वही 1.5 साल का टाइम लग जाएगा। हमें सबसे बड़ी टेंशन है कि और एग्जाम को छोड़ करके भी हम लगे, जैसे काफ़ी स्टूडेंट है जो रीट में लगे हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, पीटीआई में लगे हुए हैं, और भी बहुत से एग्जाम। अभी आप वीडियो की प्रिपरेशन करें तो जो वीडियो है सो इनकी प्रिपरेशन करें, आप अभी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक आपका नोटिस नहीं आएगा, आपके एग्जाम होने के बाद में आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा सर, इसकी एग्जाम कब तक हो सकती है, तो वो भी मैं आपको बता दूँ, इस बार आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो न्यू स्टूडेंट है उससे पुराने स्टूडेंट को डरने की जरूरत है या नहीं है वो भी सुन लीजिए।
लीजिएगा। पहली बात तो देखिए कोई भी न्यू नहीं होता, अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है तो कितने भी टाइम में इस चीज़ को कवर कर सकता है। दूसरी बात, न्यू स्टूडेंट एक बात सुन लीजिए, नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो अभी से प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके तैयारी कर लीजिए जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पुराने स्टूडेंट है आपको और ज़्यादा दमखम लगाना नहीं, जो कल के आए बच्चे हैं वो सीट ले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। इसकी एग्ज़ाम कब तक हो सकती है तो इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा। इसकी एग्ज़ाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इसी मंथ के हैं, यानी कि आप ये मान करके चलिए कि ये सितंबर के सेकंड वीक से, ठीक है, सेकंड या थर्ड वीक के अंदर होने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक में भी हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से एक ड्यूरेशन अगर अपन मान के चलें तो जुलाई अगस्त और सितंबर आपको 2 महीने का टाइम दे दिया जाएगा, 1.5 से 2 महीने के बीच में, तो सेप्टेम्बर का, ठीक है, आप सेप्टेम्बर ही मान करके चलिए। फिर बोलोगे सर आपने तो सेकेंड वीक बताया था, फर्स्ट वीक में एग्जाम डेट आ गई, आप फर्स्ट वीक मान के तैयारी कीजिए, लेकिन ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी है 90% है, वो 90% आपकी यहाँ पे सेकंड वीक की है, बाकी जो पॉसिबिलिटी आपकी फर्स्ट और थर्ड वीक की है। तो इस तरीके से आपको अभी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि आपके सितंबर के अंदर एग्जाम हो जाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर जाए तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जा सकती, इससे आगे ही एग्जाम नहीं जाएगी। यानी कि आप चाहें तो इस दीपावली को बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं, जब तक दीपावली आएगी तब तक ये जॉब आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि टाइपिंग भी जल्दी करवा दे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिले, अगर आप 1-1 घंटा अभी से टाइपिंग में लेकर के चलना चाहे, अगर आपका लक्ष्य अटल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, तो आप ये भी टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर इसके अंदर सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा, लाड लो, एक तो आपका राजस्थान जी के आएगा, ठीक है, ज़्यादा आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपका हिंदी आएगी, ठीक है, सिंपल सा सिलेबस है, और तीसरा आपका इंग्लिश आएगा। अब इसके अंदर पहले तो ये दो ही सब्जेक्ट आते हैं 75-75 के, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 50 मार्क्स ये, 50 का ये, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल क्या आता है, हिंदी आप लोग जो नए बच्चे आएंगे या पुराने बच्चे हैं, आप अच्छे से आप स्कूलिंग से पढ़ते आए हिंदी को कवर कर सकते हैं, इंग्लिश को। अब नए बच्चों के लिए प्रॉब्लम कहाँ आएगी, राजस्थान जीके के लिए, इसके लिए मैं हेल्प कर रहा हूँ। पुराने बच्चों को जिनको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है वो भी आपको बताने वाला हूँ। राजस्थान जीके के लिए सबसे मेन होगा इसके लिए करंट अफेयर, आपने अगर पुराना पेपर दिया है तो वो देख लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं दिया वो आपके साथी के पास में किसी के पास पेपर होगा, नहीं तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सोल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पे करंट अफेयर है, आप इसमें ये मान करके चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर चलेंगे, और उसको अभी से लेकर के चलना। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर इसमें आप टाइम ख़राब नहीं करना चाहते तो करंट अफेयर है आपको पूरा का पूरा, जब से ये वैकेंसी है अभी से नहीं मानी जाएगी, जब से वैकेंसी इसमें पुराने क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, जैसे 20-21 की वैकेंसी है तो तब से करंट अफेयर को लेकर के चलिएगा। कई लोग आपको ये बोलेंगे, आप बोलेंगे तो कि सर ने ऐसे बोला 20-21, तो आप बोलेंगे आप 6 मंथ का पढ़ करके चलिए, वो आपकी मर्जी है, मेरा सिर्फ काम है आपको गाइड करना। पुराना करंट अफेयर अभी आपके पास टाइम है, आप उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। ये करंट अफेयर आपको जब से जब तक चाहिए, अगर अभी करंट का चाहिए तो आपको यहाँ पे जो न्यू लॉन्च फाइल हुई है जिसमें जुलाई तक का करंट अफेयर अवेलेबल है वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको पुराना भी करंट अफेयर चाहिए तो इसका कॉम्बो पैक अवेलेबल है, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के चेक कर लीजिएगा। वन लाइनर के अंदर है, एक एक चीज कवर की गई है, यानी कि आपको 100-150 पेजेज के अंदर, तो एक पेज में 10 क्वेश्चन है, आपको पूरा 3 से 3.5 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा। और आपको साल भर का चाहिए तो आपका 35-40 पेज में पूरा फिनिश है करंट अफेयर। दूसरी बात, आपको राजस्थान जीके, पिछली बार गलती क्या की थी आपने, जैसे जीके के अंदर पॉलिटिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है, ठीक है, इसको लेकर के थोड़ा इंडिया का ज्योग्राफी का भी पार्ट आता है इसके अंदर, आप लोग क्या करने लगे थे, इतना अंदर डूब गए थे ना, लेकिन इतना डेप्थ में क्वेश्चन आए नहीं थे। आप एक लेवल को समझिए कि किस एग्जाम का क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन क्या करो। पिछली बार जो बच्चों ने गलती की थी ना, वो बहुत हाई लेवल तक चले गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेवल तक मत जाइए, लेकिन एक पेपर पैटर्न के अनुसार प्रिपरेशन कीजिए तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं। वो चीज़ें मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरे नंबर भी हैं 7733943243 पर, आप इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी होगी आप मैसेज कर दीजिएगा। सभी की जो क्वेरी होगी उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना करके आपसे बात करूँगा। और जो करंट अफेयर के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के पास में आपके पास जो भी बुक है, या फिर 12th लेवल तक की आपकी हिंदी की बेसिक को आप क्लियर कीजिए, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय यही चीज़ें आती है, तो कोई नई चीज़ नहीं, आपको फालतू पैसे खराब करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए भी आपको वही 6-12 की जो बुक है वही आपको प्रीपोजिशन वगैरह और ये सारी चीज़ें क्लियर करके चलनी है। नॉर्मल सा है, जो ग्रामर आती है वही आपको कंप्लीट करके चलनी है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसे आप, अगर आप अभी भी न्यू कमर हैं तो भी आप इसको पहली बार
बार में फाइट कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिए यार, किसी के डराने से मत डरिए, इतना लेवल आएगा, ये आएगा, वो आएगा। देखिए सब कोई अपने तरीके से बोलता है, आप खुद पर विश्वास रखिए और ऐसे मोटिवेशनल चीज़ों की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको कम्युनिटी पर मोटिवेशनल पोस्ट भी मिलती है। तो आप घबराए में टेंशन मत लीजिएगा, ऐप के ऊपर बहुत से फ्री स्टडी मटेरियल है, तो वहाँ जाके विजिट जरूर करिएगा और एक रेटिंग जरूर दे दिया करो ऐप के ऊपर कि आपको कैसा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग इस चीज़ में सपोर्ट करते। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, एक एक चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की। आराम से प्रिपरेशन कीजिए, कोई भी टेंशन होती आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। हाँ, टाइम लग सकता है आपको रिप्लाई करने में, लेकिन आपकी हेल्प जरूर होगी। तो प्यारी सी स्माइल के साथ बने रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा जरूर, आराम से प्रिपरेशन कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे मुझे भी लगे कि मेरे अपने मेरे साथ हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है जो भी चीज़ें बताता हूँ, और दूसरों तक भी शेयर करें। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।